नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राहुल गांधी की गिरफ्तारी और उनके ऊपर चल रहे कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के कल जब से सुनवाई हुई है तब से यहां पर जो है एक के बाद एक बड़े ऐलान और बड़े बयान तमाम नेताओं की तरफ से निकलने शुरू हो गए। सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी के बीच में फंस करके अपने ऊपर ही 2 साल की सदस्यता रद्द करवाई, उसके बाद 6 साल की सजा काटने को तैयार, मतलब कह सकते हैं कुल मिलाकर के जो है 8 साल की सजा जो है वो राहुल गांधी को मिल रही है कि वो 8 साल तक वापस से जो है सदन में वापसी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर ये जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई पुराने 4 साल पहले यानी कि 4 साल पीछे चली है। 4 साल पहले जो है उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने तमाम मोदी सभा को जो है यहाँ पर संबोधित करते हुए उनके ऊपर जो है आरोप लगा दिया और कह दिया कि यहाँ पर जिस तरीके से एक के बाद एक मुद्दे उठते रहे हैं उनमें हमने यही देखा है कि मोदी सरनेम वाले जितने भी हैं सबके सब चोर। अब उनके इस बयान के बाद बवाल इतना ज्यादा मचा लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 4 साल के बाद जो है कार्रवाई देखने को मिला और कार्रवाई के बाद हमने ये चीज जरूर देखी कि राहुल गांधी जिस समय अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे यानी कि अगर अभी की आप तस्वीर देखेंगे राहुल गांधी की तो वो पहले के मुकाबले जो है काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, काफी ज्यादा जो है कह सकते हैं कि उनके प्रदर्शन में जो है काफी कुछ बदलाव नजर आया जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को 2 राज्यों में जीत भी मिली और आगामी लोकसभा चुनाव में भी जो है जीत दर्ज करने की उम्मीद जताई जा रही थी। पहले से ही कांग्रेस के पास भी जो है सांसद कम थे, ऊपर से उन्होंने अपनी सदस्यता भी रद्द करवा दी है, उनकी मुश्किलें जो है वो लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आज लोकसभा का मुद्दा लेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले जो यहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई है आखिरकार उस कार्रवाई का अंजाम जो है अब कांग्रेस किस नजरिए से भुगतेगा ये समझना बेहद जरूरी है और इसी को समझने के लिए आज का ये खास रिपोर्ट लेकर के आए मानसी मेरे साथ जुड़ चुके। मानसी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है लेकिन 4 साल पहले के एक मामले में कार्रवाई होने के बाद अब समझना ये जरूरी है कि आखिरकार ये 4 साल का समय क्यों लगा, वो भी एक ऐसे कोर्ट का जो कि सूरत की छोटी सी कोर्ट है वहां के फैसले में 4 साल के बाद जो है ये फैसला आता है, वो भी ऐसे समय पर जब राहुल गांधी की छवि जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी और उनके छवि के कारण जो है कई राज्यों में चुनाव भी प्रभावित हो रहे थे। क्या यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो कोर्ट का फैसला ना मान करके यहाँ पर केंद्र का फैसला माना जाए कि केंद्र के में जो सत्ताधारी है उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सूरत कोर्ट में जितने भी जज हैं वो बदले जा रहे थे लगातार और हमने ये पहले से ही उम्मीद लगा ली थी कि राहुल गांधी के विपक्ष में फैसला आएगा, उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा, ये उम्मीद कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही लगा ली थी। तो हम लगातार ये जो है वो बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी ये आरोप लगा रही है कि जिस तरीके की परिस्थितियां अभी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है राहुल गांधी अभी काफी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, वो इस तरीके से कि अब वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव। हम जानते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है, प्रचार प्रसार भी कर रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे ही ग्राउंड पर उतरती है वैसे ही ईडी सीबीआई का शिकंजा उन पर कस जाता है। आपने देखा होगा कि तमाम राज्यों में जिस तरीके से ईडी सीबीआई का शिकंजा तमाम पार्टियों पर अभी कसता हुआ नजर आ रहा है उससे राहुल गांधी भी काफी हद तक प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कोर्ट सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया है उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो आगे अपना चुनाव लड़ पाएंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, हालांकि उनकी सदस्यता तो रद्द कर दी, क्या उनको जेल हो जाएगी ये भी अब तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि एक रणनीति के तहत बीजेपी ने कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया जिसकी वजह से उनको जेल हो जाए या उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो अब सीधे सीधे तौर पर ये बात कही जा रही है कि केवल चुनाव के मद्देनजर ये फैसला सुनाएंगे। ठीक है मानसी, एक सवाल ये भी रहेगा, पहले तो एक छोटा सा सवाल कि यहाँ पर जो आरोप लगते रहते हैं कि केंद्र में बैठे जो सत्ताधारी हैं वही तमाम ईडी सीबीआई को चलाते हैं, वही लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं, वही लोग जो है तमाम राज्यों के कोर्ट को चलाते हैं, तो क्या सूरत में जो कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के अंदर तबादले हो रहे थे, बीजेपी के नक्शे कदम पर चल करके ये कार्रवाई करवाई गई है? देखिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की तानाशाही की राजनीति करती हुई आ रही है उससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता हुआ नजर आता है कि ये जो सूरत कोर्ट
कोर्ट की कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार के पक्ष में नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि 5 जज जो है वो लगातार बदले जा रहे थे इस सुनवाई के दौरान। तो ये जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है और तमाम जो बड़े नेता है वो भी ये बात कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, स्वरा भास्कर का भी बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पप्पू से डर गए हैं लोग, इसीलिए जो अब ये उनके खिलाफ फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता था। खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश की और काफी उनकी इमेज जो है वो सुधरी थी पहले के मुकाबले, अब उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई थी जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। ठीक है मानसी, एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आई थी, जो कमर जो है बीजेपी ने 2014 के वक्त तोड़ी थी वो कहीं ना कहीं 2022 से लेकर के 23 में सुधरती हुई नजर आई और 2024 के चुनाव को प्रभावित कर सकती थी और पीएम मोदी के जो कुर्सी है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था, इस वजह से भी ये एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, आप देखेंगे 2023 से पहले कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी एकदम बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेले हैं। उन्होंने ग्राउंड जीरो से लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और जिस तरीके से वो किसानों के मुद्दे उठाते हैं, मजदूरों के मुद्दे उठाते हैं या फिर आप देख लीजिए कि देश में जितनी भी मुद्दे अभी गरमाए हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उन मुद्दों को वो उठा करके भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। तो जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी इमेज को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाँ ये बात कही जा सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम उम्मीदवार जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता था तो वो राहुल गांधी का नाम नहीं लेते थे, चाहे जयराम रमेश हो या राहुल गांधी खुद हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार उनसे सवाल किया जाता था कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पीएम के उम्मीदवार बनेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वो इस बयान से बचते हुए नजर आते थे इस सवाल का जवाब देने से। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी जो है वो अभी पीएम उम्मीदवार के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं डर का माहौल उनमें बन गया था कि राहुल गांधी पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से वो अपनी इमेज सुधारते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का जुड़ाव भी उनसे काफी हद तक। ठीक है, एक आखिरी सवाल मानसी, क्या यहाँ पर जो पप्पू नाम के शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया गया था और उससे पूरे पप्पू नाम के जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं एक मूर्ख जैसा शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया कि राहुल गांधी पप्पू है, तो क्या यहाँ पर जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को जो है इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी जगह पप्पू शब्द को बीजेपी के तमाम नेता इस्तेमाल करते नजर आते हैं, तो क्या जो कार्रवाई राहुल गांधी के ऊपर हुई है क्या उन बीजेपी नेताओं के ऊपर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, राहुल गांधी ने अपने बयान में ये बात कही थी कि जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है, ये बात जब उन्होंने कही सीधा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसका निशाना था, लेकिन जिस तरीके की अभी परिस्थितियां सामने आ रही हैं उससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका सीधे तौर पर निशान था, देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद मानसी। तो देखिए यहाँ पर जो है एक तरफ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही है तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो है अपनी बढ़ोतरी में अब नजर आ रही है। बहरहाल इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल। बाय।